नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गगन पटेल और आपका हमारे चैनल आयुर्वर्धिनी में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि एक पंचकर्म सेंटर और आयुर्वेद क्लिनिक कैसा होता है, उनमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और पंचकर्म कैसे किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह हमारा पंचकर्म सेंटर है, आयुर्वर्धिनी आयुर्वेद क्लिनिक पंचकर्म एवं रेजुवेनेशन सेंटर, जो कि रायगढ़ जिले में सारंगढ़ बस स्टैंड के पास अपेक्स बैंक के पीछे क्रिस्टल ग्रीन कॉलोनी में है। आइए अब हम अंदर चलकर देखते हैं कि एक आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक कैसा होता है। यह हमारे पंचकर्म सेंटर का एंट्रेंस और वेटिंग एरिया दोनों है। यहाँ से प्रवेश करते ही सबसे पहले डॉक्टर्स केबिन है, जहाँ पेशेंट और डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था के साथ आवश्यक टूल्स जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, प्रिस्क्रिप्शन पैड आदि की व्यवस्था है। पेशेंट्स के रिकॉर्ड तथा डाटा स्टोरेज के लिए यहाँ कंप्यूटर है तथा आयुर्वेद संबंधी पुस्तकों को यहाँ पर रखा गया है, जिनकी आवश्यकता लगभग रोज पड़ती है। आयुर्वेदिक दवाओं को कूट पीसकर योग के रूप में प्रयोग करना होता है, जो दवाई दुकानों में संभव नहीं हो पाता, इसलिए कुछ आवश्यक आयुर्वेदिक दवाओं को यहाँ रखा गया है। यह एक डिजिटल वजन मापने का मशीन है। किसी भी पंचकर्म सेंटर या क्लिनिक में बाथरूम का बड़ा महत्व होता है, इसलिए यहाँ दो बाथरूम हैं, डॉक्टर्स के लिए और एक पेशेंट के लिए। यह बाथरूम डॉक्टर्स के लिए है, जहाँ बेसिन, हैंड वॉश और टॉयलेट जैसी आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। अब हम चलते हैं पंचकर्म प्रोसीजर रूम की तरफ। पंचकर्म के लिए पर्याप्त जगह का होना आवश्यक है। इसके लिए कम से कम 700 से 1000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। हमारा यह पंचकर्म सेंटर 1000 स्क्वायर फीट में है। हमारे ईष्ट और आदि देव हैं भगवान धन्वंतरी, जिनकी प्रार्थना के बाद ही हम पंचकर्म प्रक्रिया को शुरू करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे चिकित्सा से रोगी को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ तथा निरोग जीवन मिले। बगल में रखा हुआ यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पंचकर्म के दौरान इससे मेडिटेशनल म्यूजिक चलाया जाता है ताकि रोगी एकाग्रचित्त होकर चिकित्सा का पूरा लाभ ले सके। अब चलते हैं किचन की ओर। पंचकर्म सेंटर में किचन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि प्रयोग किए गए बर्तनों को धोना मांजना हो या दवाइयों को कूटना पीसना हो, स्वेदन कर्म के लिए स्टीम की ज़रूरत हो या तेल को गर्म करना हो, ये सारे काम किचन में ही होते हैं। यहाँ किचन में एक इंडक्शन है तथा कोने में एक स्टीमर है, जो सौंदर्य चिकित्सा तथा नस्य कर्म के समय चेहरे के स्वेदन में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं के योग बनाने हेतु कूटने पीसने के लिए यहाँ दो प्रकार के खरल हैं। लेफ्ट वाला है तांबड़ा खरल, जिसमें तांबे का अंश होता है। यह बहुत हैवी है तथा मजबूत है, जो कठोर से कठोर दवाइयों को भी पीसने के लिए परफेक्ट है। यह इतना मजबूत होता है कि इसमें आप चाहें तो पत्थर को भी पीस लें। यह दूसरा है लोहे का कूटनी, जो हरे तथा कच्चे दवाइयों को पीस कर उनका पेस्ट बनाने के काम आता है। यह एक किचन है और किचन में बर्तन तो होंगे ही। यहाँ वे सारे बर्तन हैं जिनकी आवश्यकता पंचकर्म में होती है, चम्मच, कलछी, ट्रे, कटोरी, गिलास तथा अलग अलग साइज के बाउल्स। हम तैलों को गर्म करने के लिए इंडक्शन का उपयोग करते हैं, इसलिए ज़्यादातर बर्तन हैवी बेस वाले ही हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ घृत, तैल, वटी, चूर्ण तथा आसव अरिष्ट आदि के रूप में मिलती हैं। यहाँ पंचकर्म में प्रयोग होने वाले सभी दवाओं को रखा गया है। सबसे ऊपर है घृत, फिर तैल, उसके नीचे वटी एवं चूर्ण आदि। यह एक मल्टीपर्पज़ फोल्डेबल टेबल है, जो कि चिकित्सा उपक्रम जैसे ग्रीवाबस्ती, कटिबस्ती, जानुबस्ती, नेत्र तर्पण, आलेप और पत्र बंधन आदि के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके एकदम पास यहाँ एक टॉयलेट है और इस टेबल का हाइट भी मात्र 28 इंच है, जिससे इस पर चढ़ना और उतरना बहुत ही आसान है। इसलिए यह टेबल निरुपस्थी कर्म के लिए अर्थात एनिमा देने के लिए एकदम सही है। इसमें कुशन और तकिया पर देगजिन का कवर होने के कारण यह एकदम कंफर्टेबल तो है ही, साथ ही इसे साफ करना भी बहुत आसान है। वमन कर्म, नस्य तथा प्रोसीजर के बाद हाथ धोने के लिए यहाँ एक बेसिन भी लगा हुआ है। पंचकर्म सेंटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है यह धारापाटी। इसके पंचकर्म में उपयोगिता को देखते हुए इसे पंचकर्म टेबल भी कहते हैं। इसका उपयोग सर्वांग अभ्यंग, नाड़ी तथा पोटली स्वेदन में एवं सिरोधारा के लिए किया जाता है। यह जो टंगा हुआ बर्तन है, यह एक सिरोधारा यंत्र है, जो कि पीतल से बना हुआ है। सिरोधारा मानसिक तनाव, नींद की समस्या और हाइपरटेंशन के लिए उपयोगी चिकित्सा है। साथ ही यह एक शानदार रिलैक्सेशन प्रोसीजर भी है।
इसके लिए आवश्यक औषधि तैल या तक्र को इस सिरोधारा यंत्र में डाला जाता है और इसमें लगे हुए वाल्व की सहायता से उसे रोगी के सिर पर धारा के रूप में गिराया जाता है, जो कि एक अलग लेवल के आनंद की अनुभूति देता है। इसे हर किसी को एक बार जरूर फील करना चाहिए। गिरने वाला औसत नीचे रखे बर्तन में इकट्ठा होता है और उसे दोबारा फिर से उपयोग किया जा सकता है। हमारे पंचकर्म सेंटर में दो धारा पाटी हैं ताकि एक साथ दो रोगियों पर चिकित्सा कर्म किया जा सके। दूसरा धारा पाटी कमरे के अंदर है, जिससे यह फीमेल पेशेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। यह हमारा दूसरा धारा पाटी है। इसके बगल में रखा हुआ यह बॉक्स पंचकर्म सेंटर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह है स्वेदन पेटी, जिसे स्टीम चैम्बर भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक सिटिंग टाइप और दूसरा लाइंग टाइप। हमारा स्टीम चैम्बर लाइंग टाइप है, जिसमें रोगी को लिटाकर स्टीम दिया जाता है। इसके लिए इसे पहले ऊपर से खोलकर साइड के पल्ले को नीचे कर दिया जाता है, फिर हेड साइड को भी हटाने से यह एक बेड बन जाता है जिसमें बहुत सारे गैप्स हैं। इसके नीचे से स्टीम को छोड़ा जाता है। रोगी को लिटाकर बॉक्स को पैक कर देते हैं, फिर स्टीम को एक पाइप के थ्रू बॉक्स में छोड़ दिया जाता है, जिससे रोगी का स्वेदन होता है। हमारा यह स्टीम चैम्बर मल्टीपर्पज़ टाइप का है। इसके ऊपर कुशन लगा है, अतः यह सौंदर्यवर्धनी कर्म के लिए भी उपयुक्त है। अब हम पंचकर्म के दौरान उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। यह है एक्यूप्रेशर स्टिक्स, जो कि मालिश के दौरान तलवों पर उपयोग किया जाता है। पंचकर्म के समय रोगी के नेत्र को गर्मी से बचाने के लिए इन ठंडे आई कैप्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ रखे हुए स्ट्रिप्स का उपयोग सिरोधारा के समय सिर पर बांधने के लिए होता है। ये सिरोधारा के द्रव को चेहरे पर आने से रोकते हैं। यह छोटा बर्तन है एक कांसा वटकी, जिसका उपयोग पैर के मसाज के समय फूट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है। तलवे पर घी लगाकर कांसा वटकी से घिसने पर यह सभी टॉक्सिन्स को बाहर खींच लाता है। पंचकर्म सेंटर में अक्सर तैल, घृत और औषधीय क्वाथ से प्रक्रिया किया जाता है, जिसके लिए रोगी को उचित कपड़ों को पहनना आवश्यक होता है। अतः हम अपने सेंटर पर रोगियों को प्रोसीजर के अनुरूप साफ नैपकिंस और कंफर्टेबल कपड़ों के साथ उनके उपयोग के लिए टॉवल्स उपलब्ध कराते हैं, ताकि उन्हें घर से एक्स्ट्रा कपड़ा ना लाने पर भी किसी प्रकार का असुविधा ना हो। यह स्टीम जनरेट करने का व्यवस्था है। इसके लिए कुकर में औषधियों को डालकर पानी डाला जाता है और आग पर गर्म करके मेडिकेटेड स्टीम तैयार किया जाता है, जो कि पाइप के द्वारा स्टीम चैम्बर में भेजा जाता है। इस पाइप के द्वारा नाड़ी स्वेदन भी कर सकते हैं। यहाँ तवे पर दो पोटली रखे गए हैं, जिन्हें गर्म करके पोटली स्वेदन किया जाता है। सभी प्रकार के दर्दों को दूर करने के लिए पोटली स्वेदन से अच्छा कोई दूसरा उपक्रम नहीं है। चलिए अब देखते हैं चिकित्सा प्रक्रिया में उपयोग होने वाले यंत्रों को। यह वैक्यूम कप है, जिसका उपयोग दर्द को दूर करने वाले हिजामा या फिर वैक्यूम कपिंग चिकित्सा में होता है। ये सारे विभिन्न प्रकार के बस्ती यंत्र हैं। यह लंबा सा आई आकार का मेरुदंड या स्पाइनल बस्ती यंत्र है। इसका उपयोग पूरे स्पाइनल कॉर्ड को पोषण देने में करते हैं। ये दोनों अलग अलग साइज के ग्रीवा बस्ती यंत्र हैं। इनका उपयोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गले के दर्द की चिकित्सा में किया जाता है। ये तीन अलग साइज में उपलब्ध जानु बस्ती यंत्र हैं, जिनका उपयोग घुटने के दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट में किया जाता है। ये दो छोटे यंत्र नेत्र तर्पण के लिए हैं, जिनका उपयोग आँखों के सूखापन या चश्मे के बढ़ते पावर और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को ठीक करने में होता है। ये दोनों हृदय बस्ती यंत्र हैं। आजकल हृदय रोग की समस्या जैसे हृदयाघात, एंजाइना, हाइपरटेंशन बहुत ही कॉमन हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हृदय को सुरक्षित रखने के लिए हृदय बस्ती यंत्रों का उपयोग किया जाता है। यह है कटिबस्ती यंत्र। इसका उपयोग कमर दर्द, स्लिप डिस्क और सियाटिका जैसे समस्याओं के चिकित्सा में किया जाता है। कटिबस्ती पर हम पहले ही एक वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। यह एनिमा पॉट या निरूह बस्ती यंत्र है, जो संशोधन कर्म में प्रयुक्त होता है। बस्ती कर्म सभी वातज रोगों जैसे लकवा, कब्ज, गर्भाशयगत रोगों आदि का बेस्ट इलाज होता है। यह पॉट 1 लीटर कैपेसिटी का है और इसमें मेजरमेंट स्केल भी दिया गया है, अतः आवश्यकता अनुसार मात्रा निश्चित करके इसके पाइप और नोजल के द्वारा बस्ती दिया जाता है। यह रेगजिन से बना सिरो बस्ती यंत्र है, जिसका उपयोग झड़ते बालों, डैंड्रफ और सिर पर के स्किन डिजीज जैसे स्कैल्प सोरेसिस के लिए करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा के लिए दवाइयों को सही मात्रा में उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए जरूरत होती है मापक यंत्रों की। यहाँ औषधियों के वजन को मापने के लिए एक वेइंग मशीन है, जो 1 ग्राम से 10 किलो तक के वजन को माप सकता है। यह एक नेत्र धारा तथा नेति यंत्र है।
यह जो पीतल का गिलास है इसका उपयोग संशोधन के पूर्व कर्म में स्नेहपान के लिए तथा स्नेह को मापने के लिए होता है। ये हैं अलग अलग साइज के मेजरिंग कप जिनका उपयोग चिकित्सा कार्य में द्रव पदार्थों को जैसे घृत तैल दूध क्वाथ और मधु आदि को मापने में होता है। ये 250 ml 125 80 और 60 ml के साइज में है। इनके द्वारा किसी भी मात्रा को मापा जा सकता है। कम मात्रा में दवाओं को मापने के लिए इन अलग अलग साइज के चम्मचों का उपयोग किया जाता है जिन्हें टेबल स्पून कहते हैं। टेबल स्पून का मतलब लिक्विड के 5 ml तथा वजन में लगभग 5 ग्राम के बराबर होता है। ये सारे अलग अलग साइज के बाउल्स हैं जिनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं तैल तथा घृत को मापने गर्म करने तथा विभिन्न वस्ती कर्मों के दौरान और सौंदर्यवर्धनी प्रक्रिया में किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयों और स्नेह को कभी भी डायरेक्ट हीट पर गर्म नहीं किया जाता है क्योंकि इससे तैल बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है जो उपयोग करने के दौरान शरीर को जला सकता है। साथ ही इससे औषधीय गुणों को भी नुकसान पहुँचता है। इसके लिए हम एक बड़े बर्तन में पानी डालकर उसे आग पर रखते हैं और दूसरे बाउल में औसत को डालकर उस गर्म पानी पर रखकर गर्म करते हैं। यह तैल और आयुर्वेदिक दवाइयों को गर्म करने का सबसे सही तरीका है। पंचकर्मों में से एक मुख्य कर्म है रक्तमोक्षण, जिसके कई तरीकों में से मुख्य है शिरावेद अर्थात खून की नली में छेद करके अशुद्ध रक्त को बाहर निकालना, जिसके लिए हमें IV सेट तथा नीडल्स और सिरिंज की जरूरत पड़ती है। ब्लड डोनेट करना भी एक प्रकार से शिरावेद के द्वारा रक्त मोक्षण ही है। दूसरा तरीका है जलौका या लीज थेरेपी, जिस पर हम पहले ही एक अन्य वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि एक पंचकर्म सेंटर कैसा होता है और पंचकर्म करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो ठीक लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।